तो चले दोस्तों, अब इसको निकाल लेता हूँ मैं। मतलब ये देखिए चिपक गया है थोड़ा थोड़ा, और इसको निकाल लेते हैं इस डब्बे में। तो चले भाई, पिंकी अभी निकाल दिए है खाने के लिए। ये देखिए कुछ इस तरह से। हेलो दोस्तों, राम राम, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू ब्लॉग में। और दोस्तों ये ब्लॉग ना रात में हो रहा है, और रात में कैसे क्या हो रहा है दोस्तों, तो ये देखो भाई, ये है अंडे, और इसको ना उबाल के रखे है पिंकी ने, ना उबाल के रख दिए थे। तो इसको ना हम नए तरीके से क्या बोलते उसको तड़का मारेंगे। तो बढ़िया टाइम दोस्तों, कहाँ जाता? हाँ जी दोस्तों, फार्म जा रहे हैं अभी से अंडे का तड़का देखने के लिए आए सब, और उधर फोन भी आया है। देख पंची, तो चलो दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं। अंडे को तो उबाल दिए है, और अभी इसको नए तरीके से बनाएंगे दोस्तों अंडे का नाम भी। तो चले दोस्तों फटाफट से इनको छील लेते हैं। पांच ही अंडे हैं, ज़्यादा नहीं है, और पिंकी छील रही है अभी, मेरे को जमा नहीं दोस्तों छीलने के लिए। और साइड में ना पवन आके बैठा है, और श्रावण हाय बोल दो भाई दोनों भी। हाय। और रोहन बैठा है दोस्तों, तो भी हाय बोल दे भाई रोहन। तो चलिए दोस्तों छील लेते हैं फटाफट से। और दोस्तों पिंकी ना फूक फूक कर छील रहे है, क्योंकि गर्म है ये अंडे, बहुत गर्म है क्या? तो जाए दोस्तों अभी अंडे को काट लेते हैं। इधर बताओ भाई, देखिए हाथ में ना दोरी है, धर दोरी जुटी रही है इधर से, तो ऐसे करके चार टुकड़े कर लेते हैं सबको। ये देखिए दोस्तों, इसको यहाँ पे दोरी दिख रही है थोड़ी थोड़ी, तो अभी थोड़ी दिख रही है, तो दिखेगी उधर। चलो भाई, एक कटोरा अभी छोटा है। ये कट गए दोस्तों, वो भी दिख नहीं रहे यहाँ से कटे हुए जैसे, ये धागा इतना बारीक है ना, लाइलून का धागा है। तो ये देखिए दोस्तों अंडा किस तरह से कटा है, देख लो आप। ये बाप रे, ये कैसे मस्त एकदम चार चार डंडी कर दिए है। और अभी इसको भाग दो यहाँ से, ये तो धागा, ये लाइलों का धागा था। और अभी जलाएंगे, ये सब कर लेंगे। ये हो गया गैस चालू, और ये रख दिया अभी। और अभी तेल, तो दोस्तों अभी ना तेल डालता हूँ मैं। ये डाल दिया मस्त तेल, वो दोस्तों तेल डाल दिया। और अभी गर्म होने के बाद, गर्म हो ही गया होगा, और अभी डालूंगा दोस्तों डायरेक्ट अंडे। अरे वाह, गर्म ही हो गया था। तो दोस्तों इनको ना मस्त इस तरह से भून लेते हैं, और इससे भूनने के बाद में तड़का मारेंगे, तो इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है खाने के लिए कि बहुत। और ऐसे नॉर्मल तो कभी बनाना नहीं चाहिए, इसी तरह बनाना चाहिए अंडे को। तो चलिए दोस्तों इनको भूनते हैं पहले, देखिए किस तरह से मस्त चट 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 तरह चारों तरफ दिए है। ये आप मस्त भूने जाएंगे तेल में, तो चलिए दोस्तों आप इसको निकाल लेता हूँ मैं। मस्त ये देखिए चिपक गया है थोड़ा थोड़ा, और इसको निकाल लेते हैं इस डब्बे में, क्योंकि तड़का मारने के लिए हमारे पास दूसरा बस और कड़ाई है ही नहीं, इसलिए बनाएंगे। इसको थोड़ा अच्छे से निकाल लेते हैं, इसे खुरच खुरच के लेते हैं। तो चलिए दोस्तों कांदे डाल दिया, और अभी डालता हूँ तेल, और अभी मारता मस्त देसी वाला तड़का, तो कितने डालेंगे तेल। मस्त थोड़ा थोड़ा ना कांदे भेजा देंगे, और फिर बाद में डालेंगे ये डालेंगे।
मस्त मिर्ची मसाला, ये मिर्ची और लहसुन कुटा रहा था। अरे मिर्च है डाल दूंगा मस्त। मिर्ची और लहसुन भी डाल दिया। और दोस्तों इसमें है मसाला, ये देखिए हल्दी मसाला है सब। तो चलो दोस्तों डाल लेता हूँ मसाला और हल्दी और थोड़ा और मसाला। तो अभी खत्म हो गया ये ना। मसाला और ये मिर्ची सब भूल गया है, अब डाल लेता हूँ पानी थोड़ा सा। जम गया। दोस्तों अभी डाल लेता हूँ डायरेक्ट अंडे, वो जो भूजे थे अपन को। देखिए किस तरह से एकदम टेस्टी बन गया है। तो हो जाएगा अभी इतना ही हमारे को काफी। तो चले भाई पिंकी अभी निकाल दिए खाने के लिए। ये देखिए कुछ इस तरह से इतना इतना आया हिस्से में। ये पांच अंडे तो लाए थे और हमारी पूरी फैमिली है दोस्तों खाने वाली। और दोस्तों मैं और रोकी खाने। रोकी क्या रे रोकी, तू भी खाता क्या? बात नहीं करता रे वो, हंसता इतना ही थोड़ा थोड़ा वो। और दोस्तों राधिका भी इधर से बैठ गई है टीवी देखते हुए। तो चले दोस्तों खाते हैं अभी मस्त अंडे बनाए हैं एकदम न्यू तरीके से। ऐसे ना हमने कभी बनाए नहीं है, पहली बार बनाई है। तो चले दोस्तों अभी खाना पीना पूरा हो गया है एकदम। और ये देखिए पूरा चट कर दिए हैं, पूरी कढ़ाई खाली पड़ी है और बच्चे लोग खा पी के ऐसे मस्त सुन पड़े हैं। चले दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 दोस्तों।